नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। कांग्रेस आखिर अब राम मंदिर को लेकर स्वागत कर रही है, लेकिन इतने दिन पीछे कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में उतरी हुई थी। आइए क्या खबर है विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन लेटेस्ट अपडेट को लेकर क्यों कांग्रेस ने बदली अपनी रणनीति। कांग्रेस की रणनीति में हुआ बदलाव। राम मंदिर निर्माण शुरू होने से एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने बदल दी कांग्रेस की सियासत। रामलला मंदिर के भूमि पूजन को राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम बनाने की अपील। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण का जोर जोर से स्वागत किया है। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने बयान जारी कर कहा कि रामलला मंदिर के भूमि पूजन को राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि राम सबके हैं। प्रियंका ने कहा कि दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में रामायण की गहरी और अमीर छाप है। भगवान राम, माता सीता और रामायण की गाथा हजारों वर्षों से हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक स्मृतियों में प्रकाश पुंज की तरह आलोकित हैं। प्रियंका ने आगे कहा कि भारतीय मनीषा रामायण के प्रसंगों से धर्म, नीति, कर्तव्य परायणता, त्याग, उदारता, प्रेम, पराक्रम और सेवा की प्रेरणा पाती रही है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक राम कथा अनेक रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करती चली आ रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि युग युगांतर से भगवान राम का जो चरित्र है वो भारतीय भूभाग में मानवता को जोड़ने का सूत्र रहा है। भगवान राम आश्चर्य और त्याग भी हैं। राम सबरी हैं, सुग्रीव हैं, राम वाल्मीकि के हैं और भास के भी हैं, राम कंबन के हैं, राम कबीर के भी हैं, तुलसीदास के हैं और रैदास के भी हैं, सबके दाता राम हैं। गांधी के रघुपति राघव राजा राम सबको शांति देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने राम को निर्बल का बल कहा था। इसके बाद कांग्रेस ने कई नेताओं ने राम मंदिर निर्माण खुशी जताते हुए इसका स्वागत भी किया। कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी ने महात्मा गांधी का भजन का ट्वीट करते हुए सभी को शुभकामनाएं भी दी। इसलिए बदलनी पड़ी सियासत। मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। कांग्रेस की सभी जनता के बीच हिंदू विरोधी बनने के चलते चुनावों में खासा नुकसान भी हुआ था। कांग्रेस को पता है कि यूपी में भाजपा राम मंदिर का मुद्दा जरूर उठाएगी। ऐसे में उसे सियासी फायदा मिलने से रोकने के लिए मंदिर में खुलकर उतरने से अच्छा कोई कदम नहीं हो सकता है। गांधी परिवार की ओर से मंदिर के पक्ष में खुलकर बोलने से अब कांग्रेस के अन्य नेता विरोधाभासी बयान देने से बचेंगे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस बयान को पार्टी लाइन बता दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले गुजरात और राजस्थान की विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मंदिरों में जाना शुरू किया था, जबकि प्रियंका ने महासचिव पद संभालने के बाद यूपी के कई मंदिरों का दौरा भी किया था। कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व का फायदा चुनाव में मिला और अब कांग्रेस की नज़र बिहार और उसके बाद अगले दो वर्षों में यूपी समेत कई राज्यों में चुनाव पर हैं। अब कांग्रेस की नज़र चुनावों पर आ चुकी है और चुनावों की वजह से जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदू विरोधी के जगह अब हिंदू के संगठन में आ चुकी है। उनका जो हिंदू कर रहे जो पिछले सालों से करते आ रहे हैं वही अब कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करने वाली है। कांग्रेस ने जो मंदिर भूमि पूजन है उससे एक दिन पहले अपना फैसला बदला था और स्वागत भी मंदिर का किया था। और ये थी खबर। और ऐसी लेटेस्ट खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।